भारतीय मजदूर संघ से संबंध राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्युत की पांचों कंपनियों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग की गई। ज्ञापन में ठेका कर्मचारियों ने निगम के कर्मचारियों के समान काम करने के बावजूद स्थायीकरण नहीं करने की बात कहते हुए अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही जल्द से जल्द स्थायीकरण की मांग की। भारतीय मजदूर संघ से संबंध राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्युत की पांचों कंपनियों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग की गई। ज्ञापन में ठेका कर्मचारियों ने निगम के कर्मचारियों के समान काम करने के बावजूद स्थायीकरण नहीं करने की बात कहते हुए अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही जल्द से जल्द स्थायीकरण की मांग की। ज्ञापन में ठेका कर्मचारियों ने बताया कि 20 जनवरी को राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी ठेका कर्मचारी जयपुर में शहीद स्मारक पर पहुंचे थे, जहां संगठन द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिस पर सरकार ने की ओर से संगठन को आश्वासन पत्र भी दिया गया, लेकिन 2 सप्ताह का समय गुजर जाने के बावजूद उनकी समस्याओं पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि वे डिस्कॉम के कर्मचारियों के साथ ही कार्य करते आ रहे हैं, जिससे राजस्थान में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलती आ रही है। उन्होंने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि वे बिना सुरक्षा उपकरणों के भी अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। मिलकर बाड़मेर जिले के बाड़मेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टरों को अलग अलग जगह से ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग है कि हम 2017 से कोरोना काल के अंदर विद्युत क्षेत्र में पूर्ण रूप से एक सही कार्य किया, जिसके लिए हमारे को पूर्ण वेतन नहीं मिला, और अब हमारी ये मांग है कि हम लगातार 5 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं तो स्थायी किया जाए, और जहाँ तक स्थायी नहीं हो तब तक 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। हमारी राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही दिया है। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को स्थायीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने कई बातों का जिक्र करते हुए जल्द से जल्द स्थायीकरण करने की मांग की। इस दौरान राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ बाड़मेर शाखा के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।